बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर खरीत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैर खरीत से और हमारे सारे जानवर भी माशाल्लाह खैर खरीत से है। इनको सबको ओपन किया हुआ है। आपको जैसे पता है कि रोज़ इनको सुबह ओपन किया जाता है। यहाँ पर बैठ कर मैं इन्हें चारा खिला रहा था। अंदर थोड़ी सी सफाई सुथराई चल रही है आज केज की, तो थोड़ा काम किया। अब थोड़ा आके सांस लेने के लिए बैठा तो मैंने कहा चले आप सबके लिए वीडियो बना लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। ये हमारा टर्की मेल, देखिए मैं इसको खिला रहा हूँ तो ये आके मेरे पास इधर खा रहा पत्ते। ये देखिए सारे इधर बाहर मुर्गे मुर्गियाँ टर्की। ये हमारी वो गोल्डन टर्की जो बीमार थी, माशाल्लाह आप देखिए बिल्कुल फिट है, एक्टिव है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। आए अंदर आपको दिखाते हैं क्या कुछ कर रहे हैं हम। आपको गंद नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसकी सफाई स्टार्ट की है। ये उसके नीचे से सारा निकला है, वो सामने वाले नीचे उठा के ना उसके नीचे से सफाई कर रहे हैं। ये देखिए इस साइड पे ये टोकरियाँ मज़ीद लगाई हैं, यहाँ पे दो इधर लगी हैं, दो वो नीचे लगी हैं और एक ही नीचे लगी है। और उस साइड पे भी ये देखिए ऊपर से नीचे तक ये टोकरियाँ लग गई हैं सारी। और अब माशाल्लाह कबूतर भी खुश हैं हमारे और हमारी मुर्गियाँ भी खुश हैं। ये देखिए यहाँ पे भी सारा ये पिलर कवर हो गया। फ्रंट वाला ही लाइन भी जनसी है, वो सारी जो नीचे रह गई है ये वाली जगह यहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला लग जाएंगी टोकरियाँ। फिर ये सारी दीवार कवर हो जाएगी टोकरियों के साथ। ये दाना था जो अंदर गिराया हुआ था इन्होंने, तो ये दाना इसलिए नहीं उठाया कि रैबिट्स वगैरह ये खा लेंगे। बाकी जो गंद वगैरह था वो सारा उठा दिया। ये देखिए ये सारे हमारे खरगोश खा पी के सारे इकट्ठे हो गए इधर सोने के लिए, रेस्ट करने के लिए आए हुए हैं। ये देखिए और नीचे इन्होंने सुरंग भी बनाई हुई है, वो देखिए। ये मस मिट्टी के अंदर इनका यही काम होता है। बाकी उधर है एक, ये बैठा है एक, ये है कुछ वो है। आए अपने बेबी पिजन को देखते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये काफ़ी एक्टिव हुआ हुआ है और काफ़ी बड़ा हुआ हुआ और पर भी काफ़ी ज़्यादा इसके आगे हुए ऊपर। ये देखिए जी माशाल्लाह कैसे खड़ा होता है, ये आगे से काफ़ी गंदा हुआ हुआ, ये जब बड़ा होगा अपने पर खुद ही साफ कर लेगा। ये प्योर वाइट है, इसके जो पेरेंट्स थे वो प्योर वाइट थे, उनके अंडे तो हमने इसके नीचे रखे थे। इस वक्त इसका बाप ये है जो इसको पाल रहा है और मुँह इसकी माँ है। ये देखिए जी हमारी मुर्गियाँ जो उनसी हैं माशाल्लाह अंडे दे रही हैं, अंडे आने शुरू हो गए हैं इनके। अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे अंडे आते हैं। देखें एक नीचे एक उससे ऊपर एक उससे ऊपर, इसीलिए टोकरियाँ ज़्यादा लगाई हैं कि अपनी अपनी मर्जी की जगह ये ले लें और फिर जल्दी से ब्रीड स्टार्ट करें और ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे कबूतर हों, आपको ज़्यादा रौनक मिले देखने को। मैं उठ के इधर आया हूँ, उन सब ने हमला उधर कर दिया पट्ठों के ऊपर। मैं वहाँ पर बैठ के पहले खिला रहा था उनको, वो जो मैंने नीचे तोड़ के डाले थे छोटे छोटे पीसेस में वो सारे देखे उन्होंने खा लिए। अब ये देखें ये मुर्गियाँ हमारी ऊपर चढ़ के ना इधर खा रही हैं। चलो उतरो उतरो नीचे नीचे उतरो, मैं आपको डालता हूँ। चलो 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 कल भाई से बात की थी,
यहाँ पे जो आपको बताया सेटअप बनाने के लिए आज का टाइम दिया हुआ उन्होंने 10 बजे का, कि 10 बजे वो आएंगे आके तो फिर वो हमें बताएंगे कि क्या इसका हिसाब किताब होगा और कितना ख़र्चा इस पर आएगा। सेम जिस तरह से ये सेटअप इधर बना हुआ है इसी तरह से इस तरफ वो आके बताएंगे तो फिर आपसे शेयर करेंगे हम इंशाल्लाह ताला कि इस पर कितना ख़र्चा आएगा और कितना किस तरह से बनेगा और कितना टाइम लगेगा इसके ऊपर। जब दोनों कंप्लीट हो जाएंगी साइडें तो फिर हमारा प्रोग्राम है कि दोनों को ना आपस में ज्वाइन कर देंगे दरमियान में हम, ताकि ये फिर सारा छतन के लिए ओपन होगा, छाँव के लिए इधर आ जाए करेंगे, उसमें हमारे कबूतरों को भी छत का फिर अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि वो हमारा, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा पीछे जाके, कि जिस तरह से ये सेटअप है ना इसी तरह से इधर इस जगह पे ये सेटअप होगा, और जो ये दरमियान वाली जगह होगी ना इसके छत पे भी और साइडों पे भी जालियाँ लग जाएंगी। तो जब जालियाँ लग जाएंगी तो उसके अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकेगी, तो फिर ये सारा ये छत इनके पास होगी। इस सारी छत के ऊपर प्लांट्स जो से हम आगे कर देंगे या दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये सारी छत के ऊपर जो से है ना ये इनके पास होगी, और फिर कबूतरों को भी छत वगैरह देखने को मिल जाएगी, तो फिर इनको हम आज़ाद वगैरह भी कर सकेंगे। लेकिन ये टोकरी के अंदर जाके बैठ गया है, टोकरी जो सी है ये हमारी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकी, ये वाली जो हैंग की थी, क्योंकि ये हिलती बहुत ज़्यादा है ना, इसके अंदर हिलती बहुत ज़्यादा है। सब ने एक एक कमरा अपना ले लिया, तो फिर ने क्यों सा बनना है, नीचे कबूतरी है उसके ऊपर कबूतर है उसके ऊपर फिर कबूतर है, और जो ये टोकरी में बैठी है ये भी कबूतरी है। आप काम चेक करें इनके, ये जोड़ा हमारा, ये फीमेल है इसकी वाइट वाली, और वो ब्राउन जोन सा वो मेल है इसका जो दाना खा रहा है, खा कम रहा है और नीचे फेंक ज़्यादा रहा है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह ताला आप सबके जानो माल में बरकत डाले, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये देखिए गंद डाल रहा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल आपसे एक नई वीडियो में एक नई सुबह। अल्लाह हाफिज़।